Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. उसके बारे में आज ये छोटी सी प्रेस विज्ञप्ति के उद्योग के साथ साथ जितनी समाज, जैसे उन्होंने कहा कि जल की प्रॉब्लम जो हो रही है, जल का निदान, इन तीन चीजों पर उनका चुनाव के दौरान भी फोकस रहा और चुनाव के बाद, और इसी के मद्देनजर आज हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले शुरू हुई जौहर फाउंडेशन सिलाई कढ़ाई का हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये केवल ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, उसके लिए स्पेशल क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। उनको कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फाउंडेशन की तरफ से क्लासेस लगवाई जा रही हैं, उसके वास्ते हम लोग दीवारें बनवाई हैं, टॉयलेट्स बनवाए हैं और पूरा ट्यूबवेल जो केंद्र है वहाँ से महिलाएं आएंगी। हाँ बोलिए। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो रिजू जी के मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम शुरू किए हैं तो कम से कम अजमेर की जनता को पता लगना चाहिए कि फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है और क्या क्या कार्य करने जा रही है और आगामी कार्यक्रम क्या है और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी उपलब्धि हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग आम जनता तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। उद्देश्य में देखिए, जब से रिजू जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है उनका मुख्य उद्देश्य अजमेर ज़िले की जल व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और संस्कृति के लिए, इन सब के लिए उनका ये मुख्य उद्देश्य रहा जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बड़ी कृपा ईश्वर की कि हम लोग कुछ ही महीनों में 5 सेंटर चला के आज 20 सेंटर तक पहुँच गए हैं जिसमें 500 ज़्यादा महिलाएँ कार्यरत हैं और रात दिन मेहनत करके रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगी। आगामी प्लानिंग क्या है? आगामी प्लानिंग में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 सेंटर से हमारे 200 सेंटर हो जाएं, ताकि अजमेर ज़िले के गांव-गांव के अंदर कोशिश ये करें कि हर महिलाओं को रोज़गार मिले। इसके अलावा जो बच्चे जो 10+2 पास हैं लेकिन घर में बैठे हैं उनके लिए कुछ वोकेशनल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ताकि उनको भी रोजी रोटी का साधन मिले। स्पोर्ट्स को लेकर भी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि देखिए, राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन केवल चूँकि यहाँ पर कई बार लोगों को साधन नहीं मिल पाते, अच्छे स्टेडियम नहीं मिल पाते, अच्छे कोच नहीं मिल पाते, तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य स्तरीय जो बच्चे हैं उनको हम लोग चयनित करके और हम उनको दिल्ली ले जाके उनको इंटरनेशनल लेवल पर लेके आए। जैसे अभी एक गाँव बच्चियाँ हैं पर उनके पास खेलने के लिए मैट नहीं है, प्रॉपर सुविधाएँ नहीं है, तो ऐसी हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इन पे काम कर रहे हैं।